इरास अकेडमी में आपका स्वागत है। तो देखिए, इसके पहले हमने जो है तमाम सवाल किए थे, लेकिन अब यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पॉपुलेशन मशीनरी एंट्री बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि एग्जाम में आपके सवाल जनसंख्या पर आधारित, मशीनों पर आधारित और पेड़ पर भी आधारित सवाल पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि किसी मशीन का मूल्य वर्तमान में इतना कुछ रुपया दिया रहता है, दो साल बाद कितना हो जाएगा या दो साल पहले कितना होगा, तो इस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने उसी तरीके का एक सवाल लिखा है, दो वर्ष पहले एक मशीन का मूल्य 18,000 रुपये था। यदि मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 16 से 2/3% की दर से वृद्धि हो रही हो तो वर्तमान में मशीन का मूल्य क्या है। तो इसके पहले मैंने अधिकतर सवालों को आपको बताया था कि अधिकतर सवालों को सक्सेसिव मेथड से कैसे लगा सकते हैं, तो इस सवाल को भी हम सक्सेसिव मेथड से लगा सकते हैं और जनसंख्या, मशीन और पेड़ पर आधारित सभी सवालों को हम सक्सेसिव मेथड से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको सक्सेसिव मेथड से कैसे सवाल लगेगा। सक्सेसिव मेथड से लगा, यहाँ पे दिया गया है कि मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 16 से 2/3% की दर से वृद्धि हो रही है, तो पहले की तरह हम लिख लेंगे 16 से 2/3%। तो 16 से 2/3% का मतलब 1/6 होता है, वृद्धि का मतलब प्लस। इसका मतलब मशीन का मूल्य पहले 6 रुपया था, 1 रुपया बढ़ गया तो 6 से 7 हो गया। अब देखिए, ये प्रक्रिया 2 वर्ष तक चली है। अगर पहले वर्ष में 6 से 7 हुआ है तो दूसरे वर्ष में भी 6 से 7 हो जाएगा। बस सक्सेसिव मेथड में इसके बाद क्या करते हैं, दोनों का गुणा कर लेते हैं, 6 × 6 = 36 हो जाएगा और 7 × 7 = 49 हो जाएगा। इसका मतलब कि 2 साल पहले मशीन का मूल्य 36 रुपया है था और वर्तमान में इसका मूल्य 49 रुपया है। तो लेकिन यहाँ पर दिया है 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य तो 18,000 रुपया था, हमारे हिसाब से 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य 36 रुपया है, तो यही 36 जो है 18,000 के बराबर हो जाएगा। अब कितना गुना बनेगा, 500 गुना। 36 का 500 गुना 18,000 होता है, तो 49 का भी 500 गुना कर लेंगे, इसका 500 गुना, तो 00 हो जाएगा। 5×9 = 45 की 5 हासिल 4 और 5×2 = 20 = 24। तो मशीन का वर्तमान मूल्य 24,500 रुपया हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को बस एक मेथड, यूनिक मेथड, सक्सेसिव मेथड से लगाएंगे और सवालों को मैं सक्सेसिव मेथड से लगा के बता रहा हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे जनसंख्या से रिलेटेड एक सवाल मैंने लिखा है कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 33 से 1/3% की वार्षिक दर से बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 12 से 1/2% की वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 6,20,000 हो तो। अब देखिए, इस सवाल को भी सक्सेसिव मेथड से कर रहे हैं। तो सबसे पहले साल में जो जनसंख्या 33 से 1/3% बढ़ी है तो हम लिख देंगे 33 से 1/3%। 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। अब वृद्धि की बात किया है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, जिसका मतलब पहले साल में जनसंख्या 3 से 1 बढ़ गई, तो जब 3 से 1 बढ़ी है तो 3 × 4 हो गई, जनसंख्या 3 से 4 हो गई। अगर यही रेट 33 से 1/3% की दर से दूसरे साल में भी बढ़ता तो डबल बार लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। दूसरे साल में 12 से 1/2% की वार्षिक दर से बढ़ी है जनसंख्या, तो दूसरी साल में लिख देंगे 12 से 1/2%। 12 से 1/2% का मतलब 1/8 होता है, और यहाँ भी बढ़ी है तो प्लस लगा देंगे। अब इसका मतलब कि पहले जनसंख्या 8 थी, अब 1 बढ़ गई तो 9 हो जाएगी। अब इसमें गुणा करने से पहले जो कट रहा है उसको काट देंगे, 4×4 = 4, 4×2 = 8, 3×3 = 3, 3×3 = 9, यानी कि जनसंख्या यहाँ हो जाएगी 2×2 = 3×3 = 3। अब देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि वर्तमान में जनसंख्या 2 और 2 वर्ष बाद जनसंख्या 3 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे दिया गया है वर्तमान में जनसंख्या 6,20,000 है, तो वर्तमान में तो हमारे हिसाब से 2 है, तो यही 2 6,20,000 के बराबर हो जाएगा। कितना गुना बनेगा, 2×3 = 6, 2×9 = 9 और 4 जीरो उतार दीजिए, यानी कि 3,10,000 गुना,
अगर इसका 3,10,000 गुना है तो इसका भी 3,10,000 गुना बनेगा, 3,10,000 गुना। तो 3×3, 3×9 और 4×0, इसका मतलब 9,30,000 उस शहर की जनसंख्या 2 साल बाद हो जाएगी। और सवालों को मैं सक्सेसिव मेथड से करके बताता हूँ। तो देखिए, एक मशीन का सवाल यहाँ पे हमने और लिखा है। अब की बार देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। अगर इसको हम बेसिक से लगाने का प्रयास करेंगे तो देखिए, किताबों में इसके लिए फार्मूला क्या गया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है ए बराबर पी 1+R/100T। लेकिन यहाँ पे वर्ष अलग अलग दिया गया है, तो R/R1/100, 1+R2/100 और तीसरे में 1+R3/100। इस पर आपके सवाल को लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब इसकी बात करूँगा फ्रैक्शन की, तो 16 से 2/3 जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो ये मेथड हमारा फेल हो जाएगा, तो ऐसे नहीं लगाना। अब देखिए, इसी सवाल को जब हम सक्सेसिव मेथड से करते हैं तो बड़े ही इजी तरीके से, बड़े आसान तरीके से आ जाएगा। देखिए, बस उसी तरीके से, सबसे पहले 16 से 2/3% की वृद्धि हुई है, ऐसे लिख लीजिए 16 से 2/3% वृद्धि का। पहली बात, 16 से 2/3 का मतलब 1/6, वृद्धि का मतलब प्लस, इसका मतलब 6 से 7। दूसरी बार में 14 से 2/7% की वृद्धि हो गई है, 14 से 2/7 का मतलब 1/7, वृद्धि का मतलब प्लस, इसका मतलब 7 से 1 बढ़ा है, 7 से 8 हुआ है। तीसरी बार, तीसरे वर्ष में 12.5% की कमी हो गई है, तो ऐसे लिख लेंगे 12 से 1/2%, 12.5 का मतलब 1/8 होता है। अब यहाँ पे तीसरे वर्ष में कमी हुई है तो कमी के लिए माइनस लगा देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि पहले 8 था, 8 से 1 कम हो गया, तो 8 से जब 1 कम करेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर वही प्रोसेस। अब यहाँ पे देखिए, 8 से 8 कट गया, 7 से 7 कट गया, यहाँ बचा 6 और इधर बचा है 7, इसका मतलब ये हुआ कि मशीन का मूल्य पहले 6 था और वर्तमान में 7 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 की वृद्धि हो गई है, लेकिन प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछा है, प्रतिशत परिवर्तन पूछा है, तो यहाँ से तो स्पष्ट पता चल गया कि पहले मूल्य 6 था, अब 7 हो गया, तो 1 बढ़ा है, 1 की वृद्धि हुई है। किससे वृद्धि हुई है? 6 से वृद्धि हुई है। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 2×3 = 6, 50, 50/3 का मतलब 16 से 2/3% की वृद्धि आ जाएगी। तो मशीन के मूल्य में 16 से 2/3% की वृद्धि हुई है। तो देखिए, सक्सेसिव मेथड इतना यूजफुल मेथड है अधिकतर सवालों में। अधिकतर सवालों की बात क्या करें कि लगभग आधी मैथ में सक्सेसिव मेथड से सवाल लगता है। तो और एक दो सवाल मैं करके दिखाता हूँ सक्सेसिव मेथड से। एक सवाल और लिखा हूँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे लिखा गया है, एक शहर की जन्म वृद्धि दर 22/1/2% तथा मृत्यु दर 2.5% वार्षिक हो। इसका मतलब एक वर्ष में जन्म लेने वाले जो जनसंख्या है वो 22.5% है, और उसी साल में 2.5% की दर से लोग मर भी रहे हैं, तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, यानी कि हमको बताना है कि 3 साल में उस गांव की जनसंख्या कितनी बढ़ेगी, कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कितने प्रतिशत घटेगी, इसी के बारे में हमको बताना है। अब यहाँ पे देखिए, लिखा गया है जन्म वृद्धि दर 22.5% है, यानी कि अगर जन्म दर 22.5% है और मृत्यु दर 2.5% है, तो केवल वृद्धि दर कितनी हुई है? तो सबसे पहले हम वृद्धि दर निकाल देंगे। वृद्धि दर 22/1/2% माइनस 2.5%, यानी कि 22.5 में से जब 2.5 घटाएंगे तो आ जाएगा 20%। इसका मतलब अगर एक्चुअली रूप से देखा जाए तो उस गांव की टोटल जनसंख्या 20% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है और 3 साल तक बढ़ी है, तो बस अब वही फिर सक्सेसिव मेथड, 20% का मतलब 1/5, वृद्धि का मतलब प्लस, इसका मतलब पहले 5 थी, 1 बढ़ गया तो 5 से 6 हो गया,
लेकिन ऐसा 3 साल तक चलता चला रहा है, तो 5 से 6 3 बार लिख देंगे, 5 से 6, 5 25 25 125 और 6 6 36 26 216। इसका मतलब वर्तमान जनसंख्या अगर उसकी 125 थी तो 3 साल बाद 216 हो जाएगी। तो कितनी की वृद्धि हो गई है, इसमें से एक कम कर लेंगे, 6 में से 5 जा 1 और 11 में से 2 जा 9, 91 बढ़ी है। किससे बढ़ी है, 125 से बढ़ी है। तो 91/125 इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ ऐसे, 91/125 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो 25 25 125 25 64 100, 4 1 4 और 4 9 36 और बटे 5, 5 7 35 1 36 14, 5 9 10 4 14 दशमलव लगा देंगे 40 हो जाएगा, 5 8 40 72.8% की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि सक्सेसिव मेथड से सभी सवालों को पॉपुलेशन से बेस, मशीनरी बेस, ट्री बेस भी सवाल अगले वीडियो में मैं करा दूंगा। तो सभी सवाल पर एक मेथड, ओनली एक मेथड, सक्सेसिव मेथड से सब सवाल सॉल्व हो जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वाली वीडियो में और अच्छा कॉन्सेप्ट में लेके आऊँगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद।